फ्रेंड्स, मैं सर मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ ओवरलोड प्रोटेक्टर की टेस्टिंग एंड वर्किंग। तो पहले मैं इसकी ये टेस्टिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद इसकी वर्किंग बताऊंगा आपको मैं, ठीक है जी। तो मैं पहले आपको ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये अलग अलग तरह के पड़े हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरलोड प्रोटेक्टर जो अलग अलग प्रकार के आते हैं, यानी कि जैसे 1/6 का, 1/8 का, अलग अलग कंप्रेसर के हिसाब से। जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो कंप्रेसर की जितने वर्किंग कंप्रेसर जितने का है, 1/8 का है, तो 1/8 का ही आपको ओवरलोड प्रोटेक्टर खरीदना पड़ेगा। अगर आपने ज्यादा का खरीद लिया या कम का खरीद लिया तो आपका ओवरलोड प्रोटेक्टर उसमें काम जब नहीं रहेगा, चलेगा नहीं सही, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको ओवरलोड प्रोटेक्टर की टेस्टिंग बता देता हूँ। ये भी ओवरलोड प्रोटेक्टर है, ये भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये इसके 3 पॉइंट होते हैं, ये आपका 1 नंबर, ये 2, और ये 2 और ये 3, ठीक है। तो इसकी जो अभी जो अगर मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे तो 1 और 3 की आपकी आएगी कंटिन्यूटी, यानी कि बल्ब अगर आप सीधी में चेक करेंगे तो बल्ब जलेगा, वैसे आपको 1 और 3 की इसमें बल्ब कंटिन्यूटी आएगी। अगर मैं इसको इस वजह से इसमें चेक करूंगा, पहले मल्टीमीटर से आपको मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये जल रहा है। तो ये जो तार है, जो छोटी सी जो तार जा रही है आगे, ये जो जाती है कंप्रेसर को, ये यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं, इसको सप्लाई देते हैं, ये इसका यहाँ पे एनसी रहता है, इसके द्वारा यहाँ पे सप्लाई कंप्रेसर को जाती है। तो जैसे ही कंप्रेसर जो है इसका में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ होता है, तो ये ओवरलोड प्रोटेक्टर कट कर देता है। जैसे ओवर फ्रिज जो आपका 1 एम्पीयर लेता है, अगर वो ज़्यादा एम्पीयर ले रहा है तो किसी वजह से, तो उसकी वजह से ये आपका जो ओवरलोड प्रोटेक्टर जो आपका काट देगा सप्लाई को। और दूसरा मैं आपको बता दूं ओवरलोड प्रोटेक्टर की जो टेस्टिंग के बारे में, मैं आपको जरा अंदर के इसके बारे में बताना चाहता हूं कि भी ओवर कैसे काम करता है, वो तो मैं काम करने में बताऊंगा। पहले मैंने आपको टेस्टिंग का बता दिया कि ये ऐसे ही काम टेस्टिंग करते हैं। ये वैसे आमतौर पर शॉर्ट नहीं होता, आमतौर पर ये ओपन हो जाता है। ये बीच में जो स्ट्रिप जो आपकी जो आपको नजर आ रही है, ये वाली बायोमेटल जो है स्ट्रिप है, ये आमतौर पर ओपन हो जाती है, इसका टर्मिनल सड़ जाता है, ये होता है इसका आमतौर पे। अब आपका इसके वर्किंग के बारे में मैं आपको ज़रा बताना चाहता हूँ कि वर्किंग कैसे करता है। वर्किंग में कैसे है कि मैंने ये डायग्राम बनाया है, तो इसमें क्या है कि इसके जैसे इसका ये पॉइंट है, ये आपका ये इसका 1 नंबर है, 1, ये 2 और ये 3। तो ये क्या है कि इसके द्वारा सप्लाई जो है, ये स्ट्रिप के द्वारा होती हुई, बायोमेटल पत्ती के द्वारा होती हुई, ये हीटिंग एलिमेंट के द्वारा कंप्रेसर को चली जाती है। कोई भी कंप्रेसर हो, जो आपका ये मेथड इसका यही है। तो अगर वहाँ पे एम्पेयर वो कंप्रेसर ज़्यादा ले रहा हो तो ये क्या होगा कि ये आपका हीटिंग एलिमेंट लाल हो जाएगा, लाल होने के बाद क्या होगा, ये जो बायोमेटल पत्ती है ये ओपन हो जाएगी, तो आपकी जो लाइन कट जाएगी। तो लाइन ब्रेक होने से क्या होगा, आपका कंप्रेसर जो आपका डैमेज होने से बचेगा। तो आपने सुना भी होगा कि कंप्रेसर फ्रिज के पीछे टिक टिक की आवाज़ आती रहती है, वो इस करके आती है कि अगर जब कंप्रेसर की रिले शॉर्ट हो जाए या कुछ और रीजन हो जाए, या मोटर उसकी शॉर्ट हो जाए, या मोटर अर्थ हो जाए, या एक रिवाइंडिंग अर्थ हो जाए, या एक रिवाइंडिंग ओपन हो जाए, एक रिवाइंडिंग हर अर्थ नहीं होती, वैसे सारी अर्थ होती हैं, पर एक रिवाइंडिंग ऐसे ओपन हो जाए तो भी आपका एम्पीयर ज़्यादा ले रहा हो, या आपका मैकेनिकल कोई फॉल्ट हो उसकी वजह से ज़्यादा एम्पीयर ले रहा हो, तो फिर क्या होगा कि अब आपका ओवरलोड प्रोटेक्टर आपको कंप्रेसर को ऑन नहीं होने देगा। तो कई बार कस्टमर कहता है कि हमारा कंप्रेसर चलता है, कुछ देर बाद हमारा बंद हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एम्पीयर वो ज़्यादा ले रहा हो या आपकी रिले खराब हो जाए, तो उसकी वजह से ओवरलोड प्रोटेक्टर का काम क्या है, मेन वजह कि आपका कंप्रेसर को बचाने के लिए, तो आपका कंप्रेसर डैमेज ना हो। अगर आपकी रिले खराब हो जाए या कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिर बात अलग है, फिर तो आपको कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा, फिर तो मैकेनिक आके चेक करेगा। ओवरलोड प्रोटेक्टर का काम है प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये उसके बाद मैं आपको इसकी वर्किंग बताना चाहता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो ये मैंने आपको ये बताया कि ये स्ट्रिप लगी हुई है, ये तो मैंने आपको डायग्राम में बताया, मैं आपको अब खोल के दिखाना चाहता हूँ ये कि ये काम कैसे कर रहा है। इसको मैं खोल रहा हूँ जरा, इसमें वैसे इन्होंने खास मटेरियल से चिपकाया होता है, तो इसको मैं इसको खोल के आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि ये जो लगा हुआ है आपका, ये 3 नंबर है और ये 2 नंबर है, इसके बीच में ये आपकी स्ट्रिप लगी होती है, ये वाली 1 और 2 के बीच में, ये वाली ये आपका 1 नंबर है और ये 2 नंबर है,
ठीक है। और ये जो आपका ये तीन है, ये वाला ये तीन नंबर जो जा रहा है आपका, ये तीन नंबर है। तो ये क्या होता है कि जब आपका शॉर्ट हीटिंग, ये हीटिंग एलिमेंट है, ये लाल हो जाता है। लाल होने से क्या होता है कि ये वाली जो आपकी स्ट्रिप है बाय मेटल की, ये जो है ये रिलीज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे फिर ऐसे हो जाती है। जैसे ये ठंडा होता है, ये हीटिंग एलिमेंट जो ठंडा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, ये पहले तो ऐसे हो जाएगी, फिर उसके बाद जब जैसे ठंडा होगा ये दोनों ही कनेक्टर, यानी कि ये दोनों कनेक्टर आपके कनेक्शन जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ ये कनेक्शन हट जाएंगे पहले एक और दो के, फिर ये जुड़ जाएंगे। जैसे ठंडा होता है ये हीटिंग एलिमेंट, ठंडा होता है तो ये जुड़ जाते हैं, गर्म रहता है तो ये हटे रहते हैं। तो ऐसे चलता रहता है प्रोसेस। इसी प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि ये जैसे ही आपका ये जो है आपका ये जो लगा हुआ कनेक्टर के कनेक्शन है, ये सड़ जाता है, बार बार होता रहता है सारा दिन, कितनी बार होता है। ये फ्रिज में क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये एक स्पार्क हो गया, सड़ जाए आपका ये रहे ना, तो आमतौर पे क्या होता है, हम जाते हैं फ्रिज ठीक करने तो कहीं कई ओवरलो प्रोटेक्टर ही ओपन खराब होते हैं, बाकी कुछ नहीं खराब होता, रिले भी नहीं खराब होती। ये बार बार स्पार्क करके ये टर्मिनल हट ही जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि फ्रिज में टिक टिक की आवाज़ क्यों आती है, जैसे ऑटोमेटिक हुआ, दोबारा स्टार्ट हुआ, मैकेनिकल ने जोर मारा, आगे एम्पेयर मोटर ने ज़्यादा लिए, मोटर में ज़्यादा लिए तो ये लाल हुआ, ये लाल होगा तो आपका ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये स्ट्रिप डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जैसे एक एम्पेयर लेता है कंप्रेसर तो वो दो एम्पेयर ले रहा है, तो जब तक आगे मैकेनिकल पे गैस जो आगे उसके डिस्चार्ज पे कट्ठी रहती है वो टाइम लेती है, उसके जैसे लाइट आई चली गई, लाइट आई चली गई, तो आप वो टिक टिक करता रहेगा, जब तक वो एम्पेयर गैस बिल्कुल लेवल बराबर पे नहीं आ जाएगी जनरेटर में हमारे, तब तक वो इसको ऑन नहीं होने देगा। जैसे ये ऑन हो जाएगा, जैसे ये एम्पेयर नॉर्मल लेगा तो ये ऑन हो जाएगा, जैसे अगर हम फिर ये दो तीन लेगा चार लेगा तो ये कंप्रेसर उसी टाइम आपको ये लाल हो जाएगा, ये हीटिंग एलिमेंट, और ये आपको कट कर देगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये आपके दिन में एक बटन कितनी बार ये ऑन ऑफ होता होगा, तो उसमें क्या होता है कई बार ये स्पार्क हो गया या ये वाला जो मैं आपको टर्मिनल बताया, तो ये ओपन हो जाता है आमतौर पर। तो ये हीटिंग एलिमेंट की वर्किंग है, ये ओवलो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन की। तो ओवलो प्रोटेक्टर जो है वो ओपीएल भी बोलते हैं, ओवलो प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। और ये जो है टेस्टिंग मैंने आपको बता दी कि आमतौर पे ये शॉर्ट तो बहुत रेयर होता है, शॉर्ट तो होता नहीं है, आमतौर पे ये ओपन होता है। तो ये आपका जो है कंप्रेसर को बचाने के लिए लगाया जाता है। आजकल गर्मी होती है तो गर्मी में ये आमतौर पे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लाइट जा रही है आ रही है जा रही है जा रही है, तो आपको टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती रहती है, वो ओवलो प्रोटेक्टर की होती है। ये मैंने आपको आज आपको ओवलो प्रोटेक्टर के बारे में बताया। मैंने आपको ओवलो प्रोटेक्टर की टेस्टिंग और आपका इसका तरीका भी ये कैसे काम करता है मैंने आपको समझा दिया है। आपको अगर नहीं समझाया तो आप मुझे मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप मेरे वीडियो के चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।